हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बिल्कुल अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं और मम्मी हम दोनों किसी काम से बाहर जा रहे हैं और देखिए बच्चे अभी उठे हैं और आज हम दोनों ही जा रहे हैं बच्चों को घर पर छोड़ के, और बच्चों को जो है उनका जो काम समझा दिया है वो आपस में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और देखिए साथ में ये है हमारा लियो, लियो का भी ख्याल रखेंगे। अभिनव का मन तो नहीं है यहाँ रहने का, लेकिन हमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और जाना है, तो इसलिए अभिनव को रहना पड़ेगा हर्षिका और नम्या के साथ। और देखो इस तो फ्रेंड्स चलते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो निकलते हैं हम अभी, और जो जो भाई दिन में होता है वो सभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं, bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you Hello friends, हम घर से निकल चुके हैं और हम हैं जो अभी हम फ़िलहाल हैं, हम हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और हम जा रहे हैं फरीदाबाद। हमें कुछ ज़रूरी काम से वहाँ पर जाना था, और मेरठ और यहाँ हम जो इस एरिया में, यहाँ आप दिल्ली की साइड जा रहे हैं, यहाँ से पोल्यूशन का भी काफ़ी फ़र्क है। उस साइड मेरठ साइड तो पोल्यूशन बहुत कम है, लेकिन इस साइड पोल्यूशन काफ़ी है। बादल जो है वो धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं। पोहा वगैरह बना के ले आए थे और हमने अभी पोहा खाया है, और आज हमारा जो है जो हमारा काम है वो शाम तक ख़त्म होने वाला है। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs. हेलो, हम आ गए हैं बुआ जी के घर पे, और बुआ जी और जो फूफा जी हैं वो भैया के पास ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। और देखिए वो अपना सब कुछ ढक के गए हैं, काफ़ी टाइम तक यहाँ पे नहीं आते हैं तो धूल मिट्टी तो घर में हो ही जाती है। और हम दोनों आ गए हैं अभी फ्रेश अनफ होके, और फिर निकलते हैं जहाँ हमारा जिस काम के लिए हम आए थे। Thank you.
तो मम्मी मेरे घर आई थी तो मम्मी ने ब्रेड जो अपने वाइट ब्रेड होते हैं ना उनका हलवा बनाया था, तो अभी वो उनको बहुत टेस्टी लगा था वो हलवा, तो अभी वो बोल रही हैं कि मैं उनके लिए ब्रेड का हलवा बनाऊं, तो वो बोल रही थी कि अभी बना के रख देते हैं वो ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ किचन में और बच्चों के हम सभी के लिए मैं बना रही हूँ ब्रेड का हलवा और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए तो चलते हैं किचन में और देखो ये क्रम्स बनाने के लिए मम्मी की मशक्कत चल रही है मिक्सी के साथ। घी, सबसे पहले आप कढ़ाई में घी ले लीजिए और उसमें अपने ब्रेड के क्रम्स डाल दीजिए। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पहले आपको घी थोड़ा कम लेना है, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में भी आप ले सकते हो। और सबसे मेन काम होता है हलवे में भुनाई का काम, तो आप इसको लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये तली में चिपक जाता है। और मुझे यहाँ पर घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं इसमें 2 चम्मच घी और डाल देती हूँ। ब्रेड के हलवे को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सूजी के हलवे से थोड़ा सा ज़्यादा, और आपको इस तरह कलर चेंज होने तक इसको भूनना है। और मैं बीच में शूट करना भूल गई थी क्योंकि जो कैमरा है वो मेरे हाथ में था, तो अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है। वैसे तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हो लेकिन दूध से इसका टेस्ट अच्छा आता है, और दूध डालने के बाद जो ब्रेड है वो काफ़ी फ्लफी से हो जाते हैं और आपको कढ़ाई में ऐसा नज़र आता है कि आपके जो हलवे की क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। और इसके बाद आपको इसमें अच्छी तरह से इसको अच्छा सा मिक्स देना है, और मिक्स आपको एक बार हलवे की कंसिस्टेंसी देखिए। और अब जो हलवा है वो घी छोड़ने लगा है और इससे पता चलता है कि हमारा हलवा रेडी हो गया है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में तो जाहिर सी बात है टेस्टी था ही। तो फ्रेंड्स 15-20 मिनट लग गए हैं, हलवा बनके रेडी हो गया है और गर्मी बहुत, जैसा कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और देखिए मैं आपको अब हलवा दिखाती हूँ। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और अपना अच्छे से ख्याल रखें। कैसा है? थैंक यू। आप सब नहीं खा सकते लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बना है, बट फ्रेंड्स आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। दूसरा